Não, nem se fosse uma vez. वैसे शॉर्ट कर लीजिए, दो दो क्वेश्चंस पढ़ लीजिए आपके। कौन कौन से लिखना है? जल्द ऑप्शन का क्वेश्चन दे सर। प्रेपल कहाँ तक पहुंचा? कल का दिन भी जाया हो गया सर। जैसे फिर एक नई चीज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पेज नंबर 3 निकालना करो, वॉल्यूम 2 का। पेज नंबर 3 जरा निकालेगा, वॉल्यूम 2 में। ये ऑनलाइन इंश्योरेंस मैं साथ साथ ही वापस आपके शेयर कर रहा था, उनका मिल जाएंगे। ये सारे हेडिंग लिखी हुई है पेज नंबर 3 के स्टार्ट पे। कॉज स्टार्ट है अभी लिखा। एवैल्यूएशन मनी में सीबीपी ब्रेक इवन एनालिसिस। बिलव सुना ब्रेक इवन? रजिस्टर साथ खोल रखिए। ये जितनी डिस्कशन आएगी इस टॉपिक में, वो सारी डिस्कशन सुनते हुए आपने जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस रखनी है इनमें, वो बाय यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग रखनी। ब्रेक इवन एनालिसिस, सीवीपी एनालिसिस हो सकता है अगर बिजनेस की टोटल कॉस्ट जो है वो वेरिएबल और फिक्स में डिवाइड हो रहे। तो सारी स्टोरी में अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस की फॉर्मेट से जहन में रखनी है। इट मींस फिक्स कॉस्ट को कैसे सोचना, प्रोडक्ट कॉस्ट या पीरियड कॉस्ट। तो इसका जरा एक फॉर्मेट जरा शॉर्ट वर्ड्स में लिखते रहे। सबसे पहले क्या आता है, देन उसके बाद क्या आता है? एक सेकंड बोर्ड को देखे पहले। सेल्स के बाद आते हैं वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर क्या कैलकुलेट होता है? ग्रॉस कंट्रीब्यूशन, फिर वेरिएबल सेलिंग एडमिन, फिर क्या कैलकुलेट हो जाता है? नेट कंट्रीब्यूशन। फिर क्या होता है? फिक्स कॉस्ट आती है, कौन कौन सी आती है? तो डेफिनेटली पूरी डिटेल में अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता, लेकिन आपने समराइज फॉर्म में पांच चीजें मेन याद रखनी है। सेल में से अगर मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूं, अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट से मेरी मुराद प्रोडक्शन भी और नॉन प्रोडक्शन। डेफिनेटली जहां जरूरत पड़ेगी तो हम जब स्टेटमेंट बनाएंगे तो सिर्फ पहले ग्रॉस कंट्रीब्यूशन निकालेंगे वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल लेस करके, और फिर वेरिएबल सेलिंग एडमिन अलग अलग करके नेट कंट्रीब्यूशन तक आएंगे। लेकिन शॉर्ट वर्ड्स में जरा, अगर मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दूं तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट से मेरी मुराद वेरिएबल प्रोडक्शन एज वेल एज वेरिएबल सेलिंग एडमिन एज वेल। इट मींस टोटल मींस जितनी बिजनेस में वेरिएबल कॉस्ट है, चाहे वो फैक्ट्री में है या हेड ऑफिस में है, टोटल की बात कर रहा हूँ। तो मींस उसे यहाँ से मैं लेस करके जो कंट्रीब्यूशन निकालूंगा वो ग्रॉस आएगी या नेट आएगी। अगर मैं सिर्फ कभी कंट्रीब्यूशन लिखूँ बाई मीन्स से कि मैं नेट कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। देन फिर उसके बाद क्या आएगा? फिक्स कॉस्ट कौन कौन सी आएगी? प्रोडक्शन भी आएगी, नॉन प्रोडक्शन भी आएगी। लेकिन अगर कभी मैं लफ्ज इस्तेमाल करता टोटल फिक्स कॉस्ट, तो मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। तो फाइनली क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नहीं, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन मैं नहीं लिख रहा अगर तो नेट है, टोटल फिक्स कॉस्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा, प्रोडक्शन भी है नॉन प्रोडक्शन भी है, ये बोल नहीं रहा कैंडी जिसका मैं बोल रहा हूँ, और फिर नेट प्रॉफिट। कभी कभी अगर मैं ये टोटल वर्ड्स भी ना लिखूं, सिर्फ मैं वेरिएबल कॉस्ट वर्ड बोलूं,
I means to say total variable cost. Bol do that which is sum of production and non-production. Production is sum of direct material, direct labor, variable overheads, production fixed cost. Non-production fixed cost means selling admin, variable selling admin, fixed cost. Fixed cost or variable cost? Variable cost. So variable cost is sum of production variable as well as non-production variable cost. Instead of fixed cost means production भी और ठीक है कभी कभी वर्ड्स लग भी जाएंगे लेकिन अगर ना भी लगे तो ये समराइज फॉर्म में मीन्स सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट टू गेट कंट्रीब्यूशन एंड जस्ट कंट्रीब्यूशन मीन्स नेट अक्रॉस और लेस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू नेट सर जान गए अंडर ओवर अप्लाइड सर बैड मार्जिनल कॉस्टिंग में अंडर ओवर अप्लाइड है कहीं नहीं लिखा कर तो ये बना लो जरा कहीं चार पांच लाइन अगर और लिखते हुए बोल दीजिएगा सर सर बताइए सर अब यहाँ टोटल काट देने का मतलब ये नहीं कि यहाँ टोटल आना नहीं है टोटल काट देने का मीनिंग समझ गए क्या अगर ना भी लिखाओ तो वी मीन्स टू से जस्ट वेरिएबल कॉस्ट वी मीन्स टू से टोटल वेरिएबल कॉस्ट जस्ट फिक्स कॉस्ट मीन्स टोटल फिक्स कॉस्ट तो ये जो सारा टॉपिक है ये किस कॉन्सेप्ट की बेस पे कि फिक्स कॉस्ट इज अ पीरियड कॉस्ट ये ठीक है नोट कर ले सर वापस आ रहे हैं अभी जो हेडिंग नहीं है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस या ब्रेक इवन एनालिसिस ये जरा इसका भी नेट इसको चेक करें कौन सा है या मेरे नेट का प्रॉब्लम मेरे ऑनलाइन स्टोर से बड़ा मेरी वास्ट ठीक है इसका ऑनलाइन स्टोर से बड़ा मेरी वास्ट ठीक है
चलिए सर स्टार्ट से चलते हैं। सॉरी ये ऑनलाइन स्टूडेंट आवाज है, एक दफा जरा फाइनली बता दूं, लग रहा मसला है। कोई प्रॉब्लम है कि जैसे उसको तो इस कंटेनर में दोनों ही है। चलिए सर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं लग रहा है क्या मसला। ये सर इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक में हमने क्या करना है वो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक अजम्पशंस पहले हाथ में लगा। कुछ पॉइंट्स बने हैं स्टार्ट में, बिल्कुल इनको अगर पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इस सारी बहस में फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट कौन सा ध्यान में रखना जिसमें कोई अप्लाइड का कॉन्सेप्ट नहीं। तो सबसे पहली चीज नंबर वन, हमें इस डिस्कशन में कॉस्ट फिक्स्ड और वेरिएबल के बैकअप में चाहिए, ऐसे ही। और अगर वो ना मिले तो फिर हम इन्हें कन्वर्ट करेंगे। क्या कभी हमने जिंदगी में कोई मेथड पढ़ा कि फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट अलग हो जाए? बहुत बचपन की बात है, सिर्फ नाम लिख रहे हैं फिलहाल, जब जरूरत पड़ेगी मैं फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। तो मेथड्स होते हैं फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को सेग्रीगेट करने के, लिखे नाम रहा। एक है लीनियर रिग्रेशन मेथड, एंड सेकेंड इज आइलो मेथड। अगर एग्जामिनर रिक्वायर करे कि किस मेथड से यूज करना है तो ठीक है, अगर एग्जामिनर रिक्वायर ना करे तो नॉर्मली कौन सा मेथड, आइलो मेथड यूज करें। बाकी ये है कि डेफिनेटली बहुत अर्सा हो गया है तो इंशाल्लाह जब जरूरत पड़ेगी तो रिवाइज कर लेंगे। दोबारा पढ़ लें, हमें कॉस्ट को इन दो हिस्सों में ब्रेक करना है और अगर वो इकट्ठी नहीं होंगी तो हम फिर भी सेग्रीगेट करेंगे, तो मीन्स हमारा गुजारा ही नहीं है सेग्रीगेट किए बगैर। इन चीजों को अलग करके रखना है, कॉस्ट को फिक्स और वेरिएबल में सेपरेट करना, ठीक है। पहला सवाल आगे नंबर टू, ये ऑनलाइन स्टूडेंट साथ है, आप लोगों का नेट ठीक आ रहा है? देन नंबर टू सर, कुछ सर जी हमारी बेसिक अजम्पशंस हैं जो बहुत अच्छे से हम डिस्कस करते रहते हैं। सेकंड पढ़ेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, अंडरलाइन कर लेते हैं सर। वेरिएबल कॉस्ट का जो टोटल होता है ये वेरी करता है, वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं किसे, जो चेंज होती है लेकिन टोटल चेंज होता है। वेरिएबल कॉस्ट की एग्जाम्पल सर, डायरेक्ट मटेरियल सर, इतनी दूर कहां निकल गए। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज अ वेरिएबल या फिक्स, लेकिन उसका पर यूनिट, एक शर्ट को बनाने में कितने मीटर्स रिक्वायर्ड है, एक यूनिट को बनाने में कितना केजीज रिक्वायर्ड है, वी ऑलवेज अज्यूम कि पर यूनिट इज कांस्टेंट। पढ़ें सेंटेंस, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ एक्टिविटी। आउटपुट मीन्स प्रोडक्शन और सेल मीन्स सेल, क्या प्रोडक्शन और सेल में डिफरेंस हो सकता है?
लेकिन अगर स्टॉक्स ही ना हो तो फिर सेम हो भी सकता है। अगर ये सेंटेंस दोबारा पढ़े जरा, प्रोडक्शन को ध्यान में रखे अगर मैं पढ़ू, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट रिमेन सेम इरिस्पेक्टिव ऑफ द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, तो ठीक है सेंटेंस। अब सेल्स के अंदर से आप पढ़ो, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ सेल्स। अब एक्टिविटी को एक्सप्लेन करो, एक्टिविटी लेवल कैन बी नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट अगर है, टोटल वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट ये किसके साथ वेरी करेगी? सेल्स के साथ। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट किसके साथ वेरी करेगा? प्रोडक्शन के साथ। लेकिन पर यूनिट होगा वो कॉन्स्टेंट रहता है। क्या वैसे इन्फ्लेशन की वजह से मटेरियल कॉस्ट बढ़ नहीं जाती, लेबर कॉस्ट बढ़ नहीं जाती? बढ़ सकती है, लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन ना हो तो वी अज्यूम, दोबारा बोलना था पूरा बोला गया, पर यूनिट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। अगली दो लाइनें पढ़ना, मैंने भी बात कर दी थी, टोटल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट वेरीज विद प्रोडक्शन। अगला, टोटल वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट वेरीज विद, कुछ दिन पहले हम जब मार्जिनल ऑब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से इनकम स्टेटमेंट्स बना रहे थे तो वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट आ रही थी 10-15 रुपीस पर यूनिट, उसको किसके साथ फिर मल्टीप्लाई करते कौन सा फिनिश प्रोडक्शन से करके क्या चीज कंज्यूम होती है, रॉ मटेरियल क्या बना के बेचा जाता है, फिनिश गुड स्टॉक्स अगर नहीं है तो प्रोडक्शन और सेल सेम होती है। देन उसके बाद नेक्स्ट अजम्पशन, फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम रहता है। हम ये टोटल सेम रहते हैं, लेकिन क्या इसका पर यूनिट चेंज हो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट याद आ गया सर, कैलकुलेटर पकड़ी हुई। अगर मैं आपसे कहूं फिक्स कॉस्ट 5 लाख है और 1 लाख यूनिट्स बने हैं तो डिवाइड करके पर यूनिट बताएं क्या ये 5 पर यूनिट फिक्स कॉस्ट। अगर 5 लाख रेंट है फॉर एग्जांपल और 1 लाख यूनिट्स बने, अभी 5 लाख कांस्टेंट रहना, इस 5 लाख को 2 लाख से डिवाइड करें, चेक कर लें, फाइनल करें, चीजें हर वक्त ज़हन में रखनी है, क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, एक्टिविटी लेवल बढ़ाया है, टोटल सेम है, एक्टिविटी लेवल के बढ़ने से क्या हुआ, फिक्स कॉस्ट का पर यूनिट कम हो गया। सॉरी, बीच में आपको प्रॉब्लम आया, यहां तक दो लाइन में लाइन्स रहती हैं, ये मैं पढ़ता हूँ, एक देख लें आपको, तो कंफ्यूजन अगर है तो फाइंडी जरूर, ये सभी नीचे चल रही है फ्लैश, ये इधर मसला।
नहीं फिर मैं प्रॉब्लम नहीं रिजॉल्व हो रहा, तो मैं वैसे कंटिन्यू करता हूँ बाद में लेक्चर रिकॉर्ड शेयर कर रहा हूँ, ऐसे टाइम नहीं फिर Young students allowed? Is that any question? चलिए सर जी, अभी बातें नहीं हुई है, तो इसके एक शॉर्ट से समरी ये है, सॉरी फॉर इंक्रीमेंट, बस लाइन से दोबारा देख लें। फिक्स कॉस्ट आर टू बी, सॉरी टोटल कॉस्ट इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल। वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट कॉन्स्टेंट रहता है, फिक्स कॉस्ट का टोटल कॉन्स्टेंट रहता है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली प्रपोर्शनल है, वेरी करती है। अगर प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट है तो प्रोडक्शन के साथ, और अगर सेलिंग वेरिएबल कॉस्ट है तो सेल्स के साथ। फिक्स कॉस्ट चाहे प्रोडक्शन की हो या चाहे सेलिंग एडमिन हो, उसका टोटल सेम रहता है, लेकिन उसका पर यूनिट जो है वो इनवर्सली वेरी करेगा। देन सेकंड लास्ट लाइन, देन सेकंड नेक्स्ट एक अजम्पशन स्टोरी में ये है, unless we have different other information. अभी assumption का यहाँ मतलब ये है कि अगर हमें नहीं पता तो, लेकिन अगर पता चल जाए तो definitely raw material, labor, overheads, variable भी अगर है तो inflation के साथ vary कर सकते हैं। Total rent जो होता है annually increase नहीं हो रहा था, तो अगर लेकिन ना पता हो तो ये कुछ assumption। तो second last line में sale price per unit remains constant for every unit of product sold. क्या सेल प्राइस पर यूनिट भी बढ़ सकती है, और अगर फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा कंपटीशन हो जाए तो समटाइम्स कम भी करनी पड़ सकती है, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन हमें ना मिले तो भी अज्यूम के सपोज अगर 10 रुपए का यूनिट बेचा जा रहा है तो सारे यूनिट्स फिर उस तरह के सारे यूनिट्स 10 रुपए के ही है, अगर 15 का बेचा जा रहा है तो 15 रुपए के हैं। तो क्या मीनिंग हुआ लास्ट सेकंड लास्ट पॉइंट का, सेल प्राइस पर यूनिट ऑल्सो रिमेन्स कॉन्स्टेंट। इस बार की चीजें हाईलाइट कर लें, क्या क्या कॉन्स्टेंट, एक ये कॉन्स्टेंट टोटल फिक्स कॉस्ट कॉन्स्टेंट, सेकेंड लाइन में बता दें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। कोई कंफ्यूजन जी आगे स्टूडेंट्स? देन सर वॉस सुनिधर मेरी बात,
ऊपर सेकंड पॉइंट और नीचे वाला ये सेकंड लास्ट पॉइंट। सेकंड लास्ट पॉइंट से सेल प्राइस पर यूनिट रिमेंस कांस्टेंट और सेकंड लाइन ऊपर वाली वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेंस कांस्टेंट। ठीक है, फर्स्ट ग्रे सेल प्राइस पर यूनिट है 40 रुपीज। वेरिएबल कॉस्ट है, जैसे मैं वर्ड बोल रहा हूँ तो वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या शामिल है, प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन इस तरह कम से कम बोलते हैं ताकि बात बार बार जहन में आ रहे। वेरिएबल कॉस्ट जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ तो इसका क्या मीनिंग है, 40 में से सपोज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 25, डिफरेंस आएगा इसका नाम कौन सी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन अगर नहीं भी लिखूंगा तो नेट कंट्रीब्यूशन ही मेरी बता। अब बेटा अगर 40 पर यूनिट सेल प्राइस कांस्टेंट रहनी है और 25 रुपए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी कांस्टेंट रहनी है तो क्या इनका डिफरेंस मींस कंट्रीब्यूशन भी कांस्टेंट रहेगी? अगर क्या क्या कांस्टेंट रहना है तो फिर डिफरेंस भी कांस्टेंट ही रहना। तो सेल प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस क्यों है? नहीं सर, ठीक है ना, खुद आ गया। सेल प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस क्यों है कंट्रीब्यूशन के, 40 रुपए और 25 रुपए में क्यों फर्क है मेरे भाइयों? कंट्रीब्यूशन की वजह से, फिक्स कॉस्ट क्यों? सेल प्राइस 40 है, वेरिएबल कॉस्ट 25 है, ये 15 का फर्क किस फिगर की वजह से कंट्रीब्यूशन? फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ सेल प्राइस 100 रुपया है और टोटल कॉस्ट 80 रुपए है, फॉरगेट अबाउट दिस स्टोरी। टोटल कॉस्ट मैंने कहा, टोटल कॉस्ट मींस फिक्स भी और वेरिएबल भी, तो 20 रुपए क्या है, प्रॉफिट है। सेल 100 रुपया है, टोटल कॉस्ट 80 रुपया है, तो इन दोनों फिगर्स में डिफरेंस क्यों है? प्रॉफिट की वजह से। 40 रुपए सेल प्राइस है और 25 रुपए सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट अभी है, तो इनमें डिफरेंस किस वजह से है? तो क्या अगर 40 रुपए फिक्स रहना है, कांस्टेंट रहना है, 25 रुपए कांस्टेंट रहना है, तो इनके दरमियान जो डिफरेंशियल है, तो उसके दरमियान डिफरेंशियल का नाम क्या है? कंट्रीब्यूशन। आखिरी लाइन पढ़ दो, यहाँ से एक छोटा सा फॉर्मूला हमने समझा है, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन अगर कभी निकालनी पड़ जाए तो कैसे निकालेंगे? सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से मुराद कौन कौन सी है? इसको सीरियस लीजिएगा मेरी बातों का, ये नहीं यही बात बार बार बोल, यही बार बार बातें आनी। अब आए एक छोटी सी कंक्लूजन यहां से ड्रॉ हो रही है, नेक्स्ट पर आना। इफ बोथ द सेल प्राइस पर यूनिट एंड द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आर कांस्टेंट, दैट इट मींस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट विल रिमेन कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ सेल। दोबारा पढ़ जी, कोई कंफ्यूजन? अभी अगला सेंटेंस नहीं पढ़िएगा, सेकंड लाइन में पढ़ता हूँ। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब कहेंगे थोड़ा सा पिछला भी नॉलेज जहन में लाइएगा, कभी आप लोगों ने सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल लेस करके ग्रॉस प्रॉफिट वर्ड सुना? सुना है सर जी? जो ऑनलाइन स्टूडेंट कभी सुना? लेट्स अज्यूम सेल की अमाउंट है 1 लाख, कॉस्ट ऑफ सेल है 80,000 रुपीज, 20,000 क्या है ग्रॉस प्रॉफिट। कुछ रेशियोज की तरफ जाना सर अंदर, अभी हमने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट किया, अब इस वक्त एफ1 वाले स्टूडेंट्स भी कहेंगे थोड़ा सा मान लीजिए ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज अगर मैं निकालना चाहूँ तो व्हाट इज द फॉर्मूला? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स, सेल्स की बेस पर इनटू 100,
What is 20%? Gross profit is 20% of sales. Gross profit is 20% of. क्या अगर 100 है, concentrate करें full. क्या 100 अगर है, base 100 है, sale अगर 100 है तो gross profit 20 है, तो 80 के है. Cost of sale, बीच में दोनों के फर्क क्या है? Sale और gross profit के दरमियान क्या चीज है? Sale और gross profit के दरमियान फिर gross profit. देन सर बिल्कुल इसी तरह से अब हमने यहाँ वेरिएबल कॉस्ट लेस करके कंट्रीब्यूशन निकाल दिया. क्या मैं यहाँ से कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो भी फाइंड आउट कर सकता हूँ? देखिए इस वक्त रुपीज है, इस वक्त रुपीज है 40 रुपए, 25 रुपए, देयरफॉर 15 रुपए कंट्रीब्यूशन. क्या मैं ये चेक करना चाहूँ तो कर सकता हूँ कि कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितने परसेंट है? तो क्या फॉर्मूला डेवलप हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100. कंट्रीब्यूशन इज 15, कैलकुलेटर पकड़ो, डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 37.5%. आपके लिए लिख रहा हूं, आपने लिखना भी है, जस्ट एक मिनट. क्या चीज किसका 37.5%? इसको बड़ा मैं इस तरह बोल सकता हूँ, गौर से देखना जरा. इफ सेल इज 100, देखिए ये 37.5% जो है ना, ये प्लीज जब भी परसेंटेज का साइन लगता है तो 37.5 डिवाइड बाय 100 आएगी. अभी 37.5 और डिवाइड बाय 100 को सेम रख के देखें, क्या 15 जो है ये परसेंटेज में 37.5 नहीं, और जो 100 है वो 40 को कहा जा रहा है, तो 40 का नाम क्या है? सेल है. 15 का नाम क्या है? तो देखो ये सेंटेंस सही लिखना शुरू किया मैंने. इफ सेल इज 100 देन कंट्रीब्यूशन इज 37.5. अब मुझे ये बताएं सेल और कंट्रीब्यूशन के दरमियान कौन सी चीज है जिसकी वजह से 100 37.5 रहेगा? तो कैलकुलेटर पर डिफरेंस लेता हूं. Therefore, variable cost should be 62.5%. If sale is 100%, तो लगे इस परसेंटेज भी लगानी है. यहाँ तक ठीक है? Should be. इससे भी लगे आप लिखें. Let's assume ये 40% आंसर आता है. एक मिनट. What is 100? Sale. What is 40? Then what should be 60? अगर मैं कहूँ कि सी कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो जो है ये 25% है, तो व्हाट इज 100? इसकी बेस सेल है. सेल 100 है, 25 कंट्रीब्यूशन है, और सेल और कंट्रीब्यूशन के दरमियान वेरिएबल कॉस्ट हाइल है, तो वो बैलेंसिंग फिगर हम निकाल सकते हैं. हम यहाँ तक नोट करो, पेज के नीचे वैसे जगह है राइट साइड. जी जिनके पास ऑप्शन अवेलेबल है वो करनी पड़ा, इसके राइट साइड में नीचे जगह है इस जहाँ ये नीचे फार्मूला भी लिखा हुआ, लेकिन अगर नहीं तो फिलहाल रजिस्टर में लिखा. ये एग्जांपल भी लिखना और इसके साथ वर्किंग भी करें. तो किसकी बेस पे
किसकी परसेंटेज फाइंड आउट हुई। और जस्ट अगर कंट्रीब्यूशन वर्ड बोला जाए तो वी मीन्स उसे नेट कंट्रीब्यूशन। ठीक है सर, देखिए आप पढ़े जरा सेकंड लाइन, जरा कंक्लूड के दोबारा सेकंड लाइन से आगे पढ़ो। जॉनलाइन स्टूडेंट सीख चुके थे, फ्रॉम दिस डिस्कशन वी कैन कैलकुलेट, अंडरलाइन करो जरा, एक रेशो का नाम आ गया कंट्रीब्यूशन स्लैश सेल्स रेशो, और उसको शॉर्ट वर्ड्स में ब्रैकेट में पढ़ा, सी एस रेशो बोला जाता है। सी स्टैंड्स फॉर, और एस स्टैंड्स फॉर कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशो के एक एब्रीवेशन सॉर्ट ऑफ बने, और इसे कभी कभी कंट्रीब्यूशन मार्जिन जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कभी कभी वर्ड लगता था। ऑल्टरनेटिव नेम है सिंपली, व्हाट इज द फाइनल फार्मूला, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट इंटू 100। ये किसकी बेस पे, और जो बेस होती है वो 100 होती है। यहाँ रुक के एक सेकंड, एक पुरानी चीज रिवाइज करना, प्रॉफिट अगर कॉस्ट की बेस पे गिवन हो, मार्कअप बोलते हैं उसे, इसका क्या मतलब, सेंटेंस का मीनिंग क्या, प्रॉफिट कॉस्ट की बेस पे गिवन, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट रखते हैं, लेकिन सी एस रेशियो हमेशा सेल्स की बेस पे कैलकुलेट हो। तो सी एस रेशियो मीन्स कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो, और अनदर नेम ऑफ दिस इज समटाइम्स सी एम कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। कोई कंफ्यूजन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बड़े क्लियर, देन सर इसके बाद हमने अब एक फार्मूला जरा ड्राइव करना, तो उस फार्मूले की सर पहले हेडिंग्स पढ़ना, फिर इंशाल्लाह लिख के जरा ड्राइव करना। नेक्स्ट एक वर्ड आगे ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस करने के लिए ब्रेक इवन पॉइंट को पहले समझ, break even point is the volume of sale in a period where there is neither profit nor loss. break even ka matlab hota hai ki business profit mein hai ya loss mein hai, break even kya kiske barabar hai, nahi sirf cost of sale nahi total cost, ek second apne zehen mein koi income statement banaya zara, agar total cost 2 lakh rupaye hai और सेल जीरो है तो ये ब्रेक इवन, सेल जीरो ना हो, क्या जीरो हो, प्रॉफिट भी ना हो और लॉस भी ना हो, दोनों जीरो, क्या नेट नेट जीरो, इन दो चीजों का नेट जीरो। बस फर्स्ट करें 5 लाख सेल, एक सेकंड एक सेकंड, वेरिएबल कॉस्ट सपोज 3 लाख, 2 लाख क्या है, नहीं बेटा ना करो, अभी कंट्रीब्यूशन वेरिएबल कॉस्ट में, फिक्स कॉस्ट भी फर्ज करें 2 लाख, तो क्या ये जो 5 लाख रुपए सेल का लेवल है, इज इट अ ब्रेक इवन पॉइंट, अब ब्रेक इवन पॉइंट पे दो चीजें होंगी, what is the sum of total cost, ये बस फोकस फिगर यार, 3 लाख जमा 2 लाख टोटल कॉस्ट इज सम ऑफ वेरिएबल एंड फिक्स्ड टोटल कॉस्ट, तो 5 लाख टोटल कॉस्ट है, 5 लाख रेवेन्यू, इट मींस हमारा रेवेन्यू जस्ट कितना है, जितनी कॉस्ट है, जस्ट हमारा रेवेन्यू उतना है जितना हमारा टोटल खर्च है। एक और एंगल से देखें, हमारी कंट्रीब्यूशन कितनी है, 2 लाख, हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है, तो जिस लेवल पे कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर हो जाए या टोटल कॉस्ट सेल के बराबर हो जाए वो ब्रेक इवन पॉइंट होगा। बाकी ये बातें मैं बोल रहा हूँ सब लिखी नजर आएंगी, सब कुछ होगा, जरा कुछ फिगर्स के साथ हजम कर लेंगे, क्या हमारा बिजनेस प्रॉफिट में है, क्या हमारा बिजनेस लॉस में, हमारा ये बिजनेस ब्रेक इवन, बताएं बिजनेस को प्रॉफिट में होना चाहिए लॉस में,
ब्रेक इवन पे होना चाहिए, लेकिन क्या ये पता होना चाहिए कम से कम कितना रेवेन्यू होगा तो ब्रेक इवन होगा। हम इसका ये हरगिज मतलब नहीं हमने कम से कम उतना ही कमाना, कम से कम इतना तो पता हो कि कितना तो मिनिमम है, और फिर कोशिश क्या होनी चाहिए कि उससे जितना ज्यादा हो जाए, जितना ज्यादा हो जाए, जितना ज्यादा की लिमिट हो, कम से कम कितना हो। पीरियड के स्टार्ट पे खड़े होके आप समटाइम्स इस चीज में इंटरेस्टेड होंगे कि नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में कम से कम कितना रेवेन्यू जनरेट करना तो मस्ट ही है, और वो कितना रेवेन्यू जनरेट करना मस्ट है, जितना ब्रेक इवन पॉइंट पे रेवेन्यू होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स जितना आपका टोटल खर्चा एक्सपेक्टेड है कम से कम रेवेन्यू उतना होना ही चाहिए। तो अगर ये फाइंड आउट करना हो कि कम से कम कितने यूनिट्स बेच के और देयरफॉर उसका रेवेन्यू जनरेट करके ब्रेक इवन होना है, तो हम उसका एक फार्मूला यहाँ से डेवलप कर सकते हैं। आप लोग बुक के ऊपर रजिस्टर रख लें, इट मीन्स बुक में आप पेज नहीं देखना आपने। और पहले जरा दो मिनट मेरी बातें सुन लें, बाद में फिर आपने ये सब कुछ लिख के फाइनल किया। बचपन से भी कैंडल आया था, कभी आपने इस तरह से कोई इक्वेशन देखी? और सर देखिए सर, ये क्या है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल सेल। अब मैंने यह वर्ड लिखा है प्रॉफिट, मैं कॉस्ट में वेरिएबल कहना चाह रहा हूं या फिक्स? किस खर्चे में प्रॉफिट जमा करेंगे तो सेल बनेगी? प्रॉफिट 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 इनकम स्टेटमेंट सीधी बनाया देने, 5 लाख सेल है, एंड में 2 लाख प्रॉफिट है, 3 लाख दरमियान में क्या टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन ही कर रहा, तो पूरी इनकम स्टेटमेंट की बात है। इन अदर वर्ड्स मेरी 5 लाख सेल, 2 लाख प्रॉफिट, देयरफॉर 3 लाख कॉस्ट ही है। अब इसको जरा इस इक्वेशन के मुताबिक कर लो, 3 लाख कॉस्ट है, 2 लाख प्रॉफिट है, 5 लाख सेल, प्रॉफिट क्या है? तो देयरफॉर कॉस्ट मींस, क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि मैं बात नहीं करना चाह रहा हूं, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, ठीक है? सॉरी कुछ एप्लीकेशन बनाना, व्हाट इज टीएफसी? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। एक सेकंड के लिए जो मैंने डेटा लिखा था अभी ये देखो, और इसके मुताबिक जरा मेरी क्वेश्चन देखें, बैलेंस है, व्हाट इज टोटल फिक्स कॉस्ट? 2 लाख। What is total variable cost? 3 lakh plus profit 0 is equal to 5 lakh. क्या हमेशा 0? At break even 0. It means मेरी equation at break even level, मेरी equation इस तरह से हो सकती है, total fixed cost plus total variable cost प्लस 0 इज इक्वल टू सेल्स, ठीक है? लिखे ये पहली थिंग आ जाए, स्टूडेंट्स का बड़ा कंफ्यूजन था, अभी बाकी को तंग ना करें, कहीं अलग बैठा है, इधर आ जाओ, आपका मिशन मेरे साथ है, इधर आ जाओ, किसी ऐसी जगह बैठे जो दुनिया से दूर है, बहुत थोड़ा पिक्चर।
क्या हमेशा प्रॉफिट इज जीरो? हम इस वक्त ब्रेक इवन लेवल पे एक फार्मूला डेवलप करने के लिए अपने प्रॉफिट को जीरो रख रहे हैं, तो लॉस तो होगा ना यार। ब्रेक इवन पॉइंट मींस वेर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। इन अदर वर्ड्स, खर्चे इज इक्वल टू रेवेन्यू, इनकम, सेल। चलो आगे सर, इसको आप रीअरेंज करते जा सकते हैं। इससे कह सकते हो, पहले देखा करें कि एक स्टेप देखिएगा, पर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है सर, प्लस माइनस। जी बिल्कुल ठीक है। इन अदर वर्ड्स कैसा सोचा जा सकता है, टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू सेल माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आंसर क्या आता है? कंट्रीब्यूशन। सेल में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट लेस करें तो प्रॉफिट आता है। सर क्या आता है सर? कौन सी? नेट। अगर हम नहीं बोल रहे तो प्लीज बार बार बोल के जेन से मैं रख पैसेट कर रहा हूं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट किस किस का सम है? प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट किस किस का सम है? मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स ओनली। देन सर क्या मैं इसे एससी भी कह सकता हूं? ये पहले आपने समझना कि टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसको समय नहीं देख सकते, जरा पहले बोर्ड को देखते। ठीक है, पहला मैंने आपके सामने रुपए लिखे, क्या कुछ यूनिट्स को बेच के रुपीज बने होंगे? फॉर एग्जांपल 10,000 यूनिट्स और 1 यूनिट हैज सेलिंग प्राइस ऑफ 50, हजार 10,000 यूनिट्स बेच के यूनिट 50 रुपए का बेच के 5 लाख रुपए अर्न हो गए। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी होनी चाहिए? क्या जितने यूनिट्स बेचे हैं उतने यूनिट्स ही की वेरिएबल कॉस्ट लेस करके आपने कंट्रीब्यूशन निकाली है? तो मैंने 30 रुपए कैसे बनाए? 3 लाख रुपए और 10,000 यूनिट्स है। अब डेफिनेटली 5 लाख, ठीक है, या तो 5 लाख रुपया क्या है सेल, तो 3 लाख रुपया क्या है वेरिएबल कॉस्ट, 2 लाख रुपए का आंसर है। लेकिन ये 2 लाख रुपया कितने यूनिट्स ने कंट्रीब्यूट किया? तो क्या मैं इसे ऐसे बना सकता हूँ, इस 2 लाख को 10,000 इंटू, आपको ये पता पर यूनिट सेलिंग प्राइस क्या है? सर क्या है सर? 30 क्या है? तो 20 रुपया क्या है? तो अगर यूनिट्स को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या कंट्रीब्यूशन की अमाउंट आ सकती है? व्हाट इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। क्लियर? आपने भी ये डाटा लिखा था मेरा या नहीं लिखा? चले बाद में लिखेंगे, मैं देता हूँ चांस। पहले ये बात आप समझ आती है, जरा पहले लास्ट लाइन देखो, इसके बाद फिर डाटा भी लिखिएगा। टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन है, लेकिन वो कंट्रीब्यूशन कैसे फाइंड आउट हो सकती है अगर करनी पड़ जाए? यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करनी पड़ जाए तो सेल प्राइस पर यूनिट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। पहले ये बता दें, यहां तक क्लियर? लिख लो
ഞാൻ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ലിഖി ये तलाशा मैं अभी बताता हूँ आपको, लिख लेंगे मैं भी, मैं रुकता हूँ, मैं प्रयोग करता हूँ फिर लिख लीजिएगा। देन सर एक फाइनल यहाँ से फिर कैलकुलेशन करवा देंगे। क्या मैं यहाँ से अब यूनिट्स फाइंड आउट कर सकता हूँ? इस सारी स्टोरी को ऊपर से लिंक कर लें, ये जो यूनिट्स यहाँ से फाइंड आउट होंगे इन यूनिट्स को बेच के प्रॉफिट हो जाएगा। ये किस लेवल पे सारी वर्किंग हुई है, ये प्रॉफिट जीरो रख के स्टोरी चली, तो कौन से यूनिट्स इंशाल्लाह यहाँ से निकल आए करें, ब्रेक इवन यूनिट्स का फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन यूनिट। एक मिनट पहले इसे प्रूव करना, तो पर मैंने आसान से एक वर्किंग की। टोटल फॉर्मूला बोल देता, देखो डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पाई, ये डिवाइड बाय समझ आ गया, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय, तो यूनिट से इक्वल एक फाइनल फॉर्मूला एक्ट्रैक्ट हो। कैलकुलेटर पकड़ो, मेरी से एग्जांपल में व्हाट इज टोटल फिक्स कॉस्ट 2 लाख, व्हाट इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय, क्या ये 10 लाख? क्या इन्हीं 10 हजार यूनिट्स ने अल्टीमेटली ब्रेक इवन किया है? क्या इन 10 हजार यूनिट्स का रेवेन्यू फाइंड आउट हो सकता है? कैसे? 10 हजार मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट करेंगे तो ये भी पता चल जाएगा 10 हजार यूनिट्स कितने रुपए के बिकेंगे तो ब्रेक इवन होगा। व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द ब्रेक इवन यूनिट्स? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। पहली कहानी आप इसे कंप्लीट करो, फिर उसके बाद ये ऊपर जो फिगर्स मैंने लिखे वो भी लिख दीजिए। ये नोट करो प्लीज। चलो जो लिखते हैं वो लिखो, ऊपर वाला जो डाटा ये कैंडी मेरा ख्याल इस फॉर्मूले के नीचे लिखते हैं। सपोज आपका काम, सर मैंने बार बार रोज रोज कह रहा हूँ, आपका काम डेली बेसिस पर पढ़ना, बाकी ठीक है चीजें हैं लेकिन इंशाल्लाह होती जाएगी। जिस बेटा जो मैं सात सात चीजें कह रहा हूँ बस वो रिवाइज करें, मतलब इस पर से आपको याद होगा सैटरडे को डिसाइड हुआ था कि आपने ट्यूसडे को टेस्ट देना, ये अपनी प्रैक्टिस जारी रखिएगा, बाकी तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ रिवाइज तो पिछला रखना पड़ेगा। तो बेटा उसके लिए मैंने रिक्वेस्ट आपसे की थी कि अगर आपके कोई इंडिविजुअल प्रॉब्लम रह जाए तो आफ्टर द क्लास को 1.5 घंटा है, तो जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स उनके लिए भी मैंने कहा था कि आप भी इसमें व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने क्वेश्चन वगैरह पूछना चाहें तो मैंने खासतौर पर कहा उस टाइम पीरियड में। वेरियंसेस सिर्फ रखें, वेरियंसेस की बात हुई थी, सिर्फ वेरियंसेस मार्जिनल दी जा रहे हैं। जी सर, ये अब नोट है, देन उसके बाद
इसी के आगे चलते हैं, ब्रेक इवन यूनिट्स अगर आ जाए तो नेक्स्ट लाइन देखते हैं, ब्रेक इवन रुपीज आ सकते हैं, ब्रेक इवन रेवेन्यू रुपीज। देखो ब्रेक इवन रेवेन्यू रुपीज, जी सर ब्रेक इवन रेवेन्यू के रुपीज कैसे आ सकते हैं, ब्रेक इवन यूनिट्स, ब्रेक इवन यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन जो भी आपने लिखी है 10,000 × 50। ये चीजें थोड़ी सी याद रखनी पड़ती है, कभी कंट्रीब्यूशन कभी सेल प्राइस ये मिक्स नहीं होनी चाहिए। ये क्या वर्ड्स लिखे मैंने, ब्रेक इवन रेवेन्यू रुपीज, ब्रेक इवन प्रॉफिट रुपीज कितने होते हैं, जीरो होता है, इसकी तो बहस ही नहीं है। ब्रेक इवन पॉइंट पे कितना प्रॉफिट होगा, तो बहस ही नहीं है। तो ब्रेक इवन यूनिट्स लेंगे और सेल प्राइस पर यूनिट्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर डाटा देखते हैं जो अभी आपने नोट किया, 10,000 इनटू क्या करेंगे 50, व्हाट इज 50 सेल प्राइस पर यूनिट, ठीक है। देन सर इसका ये जो अभी हमने फाइंड आउट किए तो ब्रेक इवन रुपीज फाइंड आउट करने के लिए ब्रेक इवन यूनिट्स को सेल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट कर दें, और से देखें बोर्ड पर, अगर हमने इस तरह से ब्रेक इवन रुपीज निकालने तो इसका मतलब पहले हमें यूनिट्स निकालने और फिर सेल प्राइस पर यूनिट ढूंढ के ब्रेक इवन रुपीज आ जाएंगे। लेकिन कभी कभी यूनिट्स का डाटा होता नहीं तो ब्रेक इवन रुपीज डायरेक्टली भी आ सकते हैं। नेक्स्ट लाइन लिखे ब्रेक इवन रुपीज डायरेक्टली, डायरेक्टली इन द सेंस यूनिट्स के बगैर ही सीधे रुपए, नहीं नहीं ब्रेक इवन रुपीज डायरेक्टली, फिलहाल तो यूनिट्स का डाटा है देयरफॉर जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ है 5 फॉर्मूले और फाइनल कर रहे हैं ताकि उनकी एप्लीकेशन बस बाद में रहे। कभी अगर जरूरत पड़े तो ब्रेक इवन रेवेन्यू रुपीज डायरेक्टली कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स कॉस्ट, ऊपर देखें ये यूनिट्स वाला जो फार्मूला, यूनिट्स वाला फार्मूला क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय क्या है, लेकिन उसकी जगह कर दिया सी एस रेशियो। तो फॉर्मूला लिखना है, बाकी मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ। अगर टोटल फिक्स कॉस्ट को आप सी एस रेशियो क्या चीज है, कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो से अगर डिवाइड कर देंगे तो इंशाल्लाह भी आप देखेंगे ब्रेक इवन सेल रुपीज डायरेक्टली भी। नोट कर ले फॉर्मूला, जी कुछ फिगर्स की तरफ जाना चाह रहा हूँ। अभी आप लोगों ने डाटा लिखा मेरे साथ, वहां से जरा सी एस रेशियो, नहीं अब वो तो पहले लिखे थे, जरा ये जो डाटा भी आपने लिखा सपोज हो, एक मिनट सी एस रेशियो का कोई फॉर्मूला बोले, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 20 डिवाइडेड बाय 50 × 100 इज इक्वल टू 40% ऑफ सेल। क्या चीज किसका 40% ऑफ सेल है ये बोली जाना आपने, कंट्रीब्यूशन सेल्स का 40%, जहां पे रखते हैं उसी के नीचे चेक करो उस डाटा के बेस पर। एक मिनट बाकी कर लो, 20/50 क्या सर, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। तो अगर आप सी एस रेशियो निकाल लें और उसको फिक्स कॉस्ट से डिवाइड करें
इंशाल्लाह क्या कैलकुलेट हो जाएगा, एक लिख लिया 30-40% ऑफ सेल। आज इधर अप्लाई करके देखो टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है हमारी स्टोरी, $ डिवाइडेड बाय 40% इज इक्वल टू, आता सर 2 लाख डिवाइड बाय 0.4, 40%। तो फिगर लिख लो सर, तो अगर ब्रेक इवन रुपीज डायरेक्टली कभी निकालने पड़ जाए तो व्हाट इज द फॉर्मूला, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सीएस रेशियो, व्हाट इज द फॉर्मूला सीएस रेशियो, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल इनटू 100। अगर आप 5 लाख को और से देखें, ये 5 लाख क्या है, ब्रेक इवन रेवेन्यू भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन सबसे आसान सलब से जहन में लाया सेल है, ब्रेक इवन सेल इनकम स्टेटमेंट के स्टार्ट में है। ऐसे ये 5 लाख बना कैसे हो, कुछ यूनिट्स होंगे जो बेचे गए होंगे और उनको जरूरत दी होगी किसी सेल प्राइस पर यूनिट से। अब अगर आपको सेल प्राइस पर यूनिट पता चल जाए तो आप यूनिट्स भी निकाल सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपको मैं सेल प्राइस पर यूनिट बता दूं यहाँ, तो आप नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, 5 लाख 12 कैलकुलेटर पर करें। बातें सिंपल हैं लेकिन बहुत ज्यादा ही सिंपल, बहुत मुश्किल हो। 5 लाख डिवाइड बाय क्या करेंगे तो क्या निकला है, सेल प्राइस पर यूनिट से डिवाइड अगर किया जाए, डिवाइड बाय 50 करें मेरा, तो ब्रेक इवन यूनिट्स भी निकल सकते, तो रिवर्स वर्किंग भी हो सकती है इधर से उधर इधर से। चले अब तो यहाँ तक बेटा दो फिर फॉर्मूला सेट फाइनल हुए, बल्कि तीन हो गया, फिर बुक देखना पेज नंबर 3 वहां से हाईलाइट करना। तीन चीजें यहाँ फाइनल हुई हैं, तीन फॉर्मूला फाइनल हुए। नंबर 1 सीएस रेशियो, जरा उसे हाईलाइट करना, और फाइनली कभी भी अगर नजर पड़े रिवीजन करते हुए तो ये अजम्पशंस के बाद फिर ये फॉर्मूला फाइनल है, बाकी तो बीच में डेरिवेशन होगी। बीच में उसके बाद ब्रेक इवन यूनिट्स का एक फॉर्मूला, वो तो शायद ऐसे बोल्ड हुआ, और उसके नीचे फिर एक फाइनली लास्ट में ब्रेक इवन रुपीज का डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा। ठीक है, ठीक है सर, देन दोबारा रजिस्टर की तरफ आ जाए, नेक्स्ट पेज रहें, बुक का नेक्स्ट पेज भी जाने रहने दो। देन सर एक स्टोरी और है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जी सर क्या हुआ सर, फ्रेंड्स ढूंढ रहे हैं सर, नो फ्रेंड इज अवेलेबल, फ्रेंड इज अवेलेबल और अल्हम्दुलिल्लाह वो जहाँ भी हैं पढ़ रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है, जिस तरह उसी ने अचानक मेरे जहन में आए थे तो आप सारे थे सवाए आपके। अभी मैंने पूछना है सारे अवेलेबल, लेकिन आज मैंने ना ही कुछ और मार्जिन ऑफ सेफ्टी बस हेडिंग लिख के रुक गए जरा, और बिजनेस अपना समझे। देखिए सर, एक लफ्ज है बजटेड सेल और एक लफ्ज आज आ गया है ब्रेक इवन सेल, दोनों के स्टार्ट में बी है, देयरफॉर ये बात एक। अगर ये सेम नहीं है तो फिर आप बता दें बजटेड सेल क्या चीज है, हम कितने बेचना चाहते हैं, अच्छा हम कितने बेचना चाहते हैं, जितने मार्केट में बेच सकते हैं, तो जितनी हमारी कैपेसिटी है, जितने हम बेचना चाहते हैं, जो हमारा प्लान है, हमारा प्लान है कि इतने यूनिट्स बेचेंगे। फॉर एग्जांपल हम 1.5 लाख यूनिट्स बेचना चाहते हैं, ये प्लान कब बनता है, साल के एंड में, पीरियड के स्टार्ट में खड़े बजटेड सेल, हमने मार्केट एनालिसिस किया, सर्च की वगैरह वगैरह, पिछला देखा, अगला सोचा, हमारा प्लान है कि इंशाल्लाह 1.5 लाख यूनिट्स बेचने। अब ब्रेक इवन क्या चीज है, हाँ जी बिल्कुल सही भाई ने वर्ड यूज किया, कम से कम इतने बेचे, देखो खर्चा पूरा हो जाए, कम से कम लॉस ना हो, लेट्स अज्यूम
अच्छा ये ब्रेक इवन एनालिसिस भी किस वक्त होगा, पीरियड के स्टार्ट में या एंड में? एंड में कैलकुलेट करेंगे कम से कम कितने बेचने थे, यूजलेस है बस, उस वक्त क्या फायदा होगा, वो तो हो गया ना होना था। पीरियड के स्टार्ट पे जब आप प्लान बनाएंगे कि कितने यूनिट्स बेचे जा सकते हैं, उसके साथ ही फिर आप इसमें भी इंटरेस्टेड होंगे कि कम से कम कितने तो हर सूरत ही बेचे, तो आप एक ब्रेक इवन एनालिसिस करेंगे, टोटल कॉस्ट निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सोचेंगे, ब्रेक इवन यूनिट्स निकाल लेंगे, फर्ज करें आपका ब्रेक इवन सेल्स का आंसर आया 2 लाख। बिल्कुल ठीक है भाई ने, बट 1.5 लाख इतने यूनिट्स बिकेंगे, इतने यूनिट्स बिक सकेंगे, इतने यूनिट्स हम बेचेंगे, हमारा ही प्लान है इतने हम बेच लेंगे, 2 लाख के कम से कम इतने बिकने चाहिए कि प्रॉफिट। तो ये बिजनेस मेरा ख्याल अब मेरा ही समझ में। हाँ बिल्कुल सही भाई ने कहा, क्या अब लॉस होना ही होना है, तो कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं, मेरी सेफ्टी की कोई सिचुएशन, लॉस होना ही हो, तो अगर होना ही होना है तो शायद इस साल बिजनेस, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि फर्स्ट ईयर हो, डिमांड बन रही हो, वक्त लगता है, लेकिन लॉस होना ही हो, ठीक है, वो फिर डेफिनेटली हमारा एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन हो सकता है कि हमने इस साल बिजनेस करना या नहीं करना, लेकिन अब लॉस ना गुजीर है। तो अगर ये है सिचुएशन है तो कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है, डिफरेंस कैलकुलेट ही नहीं करेंगे। ये कुछ वर्ड हजम होता है, फर्दर एक्सप्लेन वैसे करता हूँ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या, कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जो हमें प्रॉफिट में ले जाएंगे, उन यूनिट्स को कहते हैं कि वो यूनिट सेफ्टी मार्जिन, इस केस में कोई ऐसा यूनिट नहीं है जो हमें प्रॉफिट में ले जाए, तो किस सिचुएशन में ये फिगर कैलकुलेट ही नहीं करेंगे जब ये नेगेटिव है जिसका कर। लेकिन लेट्स अज्यूम सिचुएशन ये है, क्या है, एक मिनट जरा, 1.5 लाख क्या है, 120 क्या है, शॉर्ट वर्ड्स में जरा बोल रहे, अल्हम्दुलिल्लाह मान लें 50,000 बेचने का प्लान रखते हैं और 1,20,000 यूनिट्स बेच के प्रॉफिट खत्म, जीरो हो जाएगा, लॉस खत्म हो जाएगा, तो क्या कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जो हमें प्रॉफिट में ले जाएंगे, कितने यूनिट्स ऐसे हैं, 1,20,000 यूनिट्स बेच के आपका लॉस खत्म होगा, ये हजम होती बात, या ये कहें खर्चा पूरा हो जाएगा, ब्रेक इवन क्या होता है, नो प्रॉफिट लॉस का मतलब क्या होता है, जितना खर्चा उतना रेवेन्यू, तो 1,20,000 बेच के लॉस खत्म हो जाएगा, टोटल कॉस्ट कवर हो जाएगी, तो उससे ऊपर जितने यूनिट्स हम बेच लेंगे वो हमारे हमें प्रॉफिट मिलेगा, तो व्हाट इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन दिस केस, 30%, तो व्हेन दिस फिगर इज कैलकुलेटेड, इफ द बजटेड सेल इज मोर देन ब्रेक इवन सेल, देन द डिफरेंस इज कॉल्ड एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मींस वो यूनिट्स हमें प्रॉफिट में ले जाएंगे। अच्छा 120,000 जो यूनिट्स आप बेच रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, उनकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह, लॉस खत्म करेंगे, वो लॉस खत्म करेंगे तो ये 30,000 यूनिट्स प्रॉफिट में ले जाएंगे, तो 1.5 लाख ही अल्हम्दुलिल्लाह बिकेंगे, और उसमें से कितने यूनिट्स लॉस खत्म करेंगे और बाकी जो 30 है वो हमें जब प्रॉफिट की तरफ ले जाएंगे, जीरो से आगे बढ़ा देंगे, प्रॉफिट को बढ़ा देंगे पॉजिटिव साइड पे, उसे हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोला जाता है। तो एक आसान सा फॉर्मूला यहाँ से क्या डेवलप हो रहा है, वेटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी, लिखें जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ले रहे हैं,
डिफरेंट लॉस होना, एडवर्स सिचुएशन कह रहे हैं, ठीक है चलो आगे। देन बेटा ये जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है ये अमाउंट्स में भी कैलकुलेट हो सकते हैं। तो सॉरी शायद मैंने जगह कहा नहीं, लेकिन अब दोबारा नीचे बना लीजिए, पहले सुन लो। मतलब 1.5 लाख क्या है, कौन सा सेल वेटेड सेल यूनिट्स, सपोज 10 रुपए सेल प्राइस पर यूनिट, तो व्हाट इज 15 लाख बजटेड सेल रेवेन्यू, जरा 10 12 लाख क्या, 12 लाख 12 लाख क्या ब्रेक इवन रेवेन्यू, ब्रेक इवन रेवेन्यू व्हाट इज 3 लाख मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेवेन्यू। मींस अगर सीधे यूनिट से कभी मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेवेन्यू निकालना पड़े तो मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट करने का थोड़ी हिम्मत साथ देगा, अगर साथ ना कर सके तो नीचे लिखो मतलब दोबारा। समटाइम्स आप लिखने में इतने इंटरेस्टेड होते हैं कि मैं डर के वहीं रुक जाता हूँ। नीचे इन सेंस दोबारा हेडिंग्स लिख के वेटेड ब्रेक इवन लिख के क्या है 10 10 10 क्या है, इसको डिफाइन कर लेंगे 10 10। देन सर आज का आखिरी फॉर्मूला यहीं से अब रुक जाए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो भी कैलकुलेट होता है। मतलब ये देखा जा देखा अगर आप देखना चाहेंगे कितने परसेंट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कितने परसेंट ऑफ बजटेड सेल है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो का कॉन्सेप्ट मतलब कैसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइड बाय बजटेड सेल। कोई आपने लिखने की कोशिश नहीं करनी है, रिलैक्स होकर मेरी चंद बातें सुनिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइड बाय बजटेड सेल, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला बोले जो भी थोड़ी देर पहले आपने लिखा, हंस गया फॉर्मूला दोबारा ट्राई कर। मसला अगर मैं चाहूं तो ये जो डेटा पर हमने लिखा अब ये जो रेशियो है ये हम यूनिट्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं और रुपीज में भी कर सकते हैं, दोनों का इंशाल्लाह आंसर सेम है। उसकी वजह क्या है, वो 10 10 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों तरह से करवा दें। व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, 30,000 डिवाइडेड व्हाट इज बजटेड सेल, 150,000 इनटू 100 आंसर देगा। सॉरी पहले वर्किंग कर लिया, कंसंट्रेशन से पहले बात सुन लो। What is 20%? Margin of safety is 20% of budgeted sale. Why budgeted sale? इनके base ही budgeted sale. अब मेरे books में याद है। What is 100? What is 20? What is 80? मार्जिन ऑफ सेफ्टी और बजटेड सेल के दरमियान, बजटेड सेल और मार्जिन ऑफ सेफ्टी के दरमियान क्या चीज है, ब्रेक इवन सेल। दोबारा आ जाओ, व्हाट इज 100, व्हाट इज 20, व्हाट इज 120, नथिंग इज 120। ये तो डिफरेंस आ रहा है, जब सेल्स 100 है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20 है तो डिफरेंस की बीच में बात हो रही है, 120 इज नथिंग। What is 100? What is 20? What is the differential between these two things? Break-even sale. Hasn't it? एक चीज और मैंने भी कहा रुपीस से भी आ जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपये बोला, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज 15 लाख इंटू 100, अभी भी 20% मीन्स
20% ऑफ बेनिफिट्स है, वहां वो यूनिट्स में था, यहाँ रेवेन्यू में। क्लियर है? देखें तो परसेंटेज निकालने के लिए आप यूनिट्स को भी यूज कर सकते हैं और अमाउंट्स, रेवेन्यू की अमाउंट्स को भी यूज कर सकते हैं, दोनों एक्सेप्टेबल वेज। तो जिस फॉर्मूले में जो बेस है वो 100, बेस मींस किसे कैसे कहते हैं, जिससे आप डिवाइड कर रहे होते हैं, जिससे आप डिवाइड कर रहे होते हैं, बेस दो भी आप बेस रखेंगे 100। मार्कअप मार्जिन, बेस्ट एग्जांपल, कॉस्ट की बेस पे कॉस्ट 100 है, सेल की बेस पे, तो सीएस रेशियो की बेस सेल है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बेस बजटेड सेल, सेल है लेकिन बजटेड है क्योंकि ब्रेक इवन वर्ड बीच में आ गया, तो बजटेड सेल की बेस पे ही रेशियो। जेनी कन्फ्यूज बेटा, चलिए चला ये डिस्कशन पर कल दोबारा यहीं से शुरू करेंगे। वेरिएंसेस के लिए टाइम दें, बल्कि आज वो वन वालों का टेस्ट है यार, तो टाइम निकालें अगर अभी बारे वेले तो। क्वेश्चन फाइनल क्वेश्चन डैश होगा दिखा दें किसी को, तो ऑनलाइन स्टूडेंट से भी शेयर करो, घंटा डेढ़ आराम से बैठिए, बड़ा सा टेस्ट है, डायरेक्ट इन डायरेक्ट दोनों से। अल्लाह हाफिज़।